हेलो दोस्तों, मैं बिसंदर टिप्स और लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों, पुणे फर्स्ट डे है, सीजन का पहला दिन है और पहले ही दिन में 9 रेसें हैं। तैयार बैठे हैं पुणे वाले आपके लिए ऐसा लग रहा है। कार्ड भी ऐसे ही है खैर, और काफ़ी घोड़े डले हुए हैं यार। और सीधा ही शॉर्ट सिलेक्शन लेके चलूंगा। अभी टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड, मुझे लगता है जैसा मैं हर बारी बोलता हूँ कि जब तक एक एक बारी घोड़े भाग ना लें, जब तक ट्रैक का बहुत फर्क पड़ जाता है यार। मुंबई का ट्रैक अलग है, पुणे का ट्रैक अलग है, वो अलग बात है। दोनों ही RWITC के अंडर जरूर हैं, बट ट्रैक में बहुत फर्क है। पुणे थोड़ा फास्ट ट्रैक है यार। और यहाँ पे 21 जुलाई की रेस है, पहली रेस 1 बजे, आखिरी रेस 5 बजे है दोस्तों। और आ जाते हैं दोस्तों, पहली रेस में 1200 मीटर क्लास 5 की रेस है। और यहाँ पे मैं जो जो भी घोड़े यार, मतलब 9 की 9 रेसों में जो भी पिक लेके चलूंगा या जो भी सिलेक्शन लेके चलूंगा, वो कहीं ना कहीं पे पिक रहेगा उसकी लास्ट परफॉर्मेंस के बेस में, या फिर जो लेटेस्ट उन्होंने ट्रैक दिया है अभी उसी के बेस में लेके चलूंगा यार। पहली रेस में 5 नंबर अनुष्का हरिदास घोड़े, ट्रैक ठीक जा रहा है और घोड़ा रुका हुआ भी है यार। उम्मीद करते हैं कि हरिदास गोरे, जो लास्ट सीजन में मुंबई में राइडिंग देखने को मिली थी, दोबारा देखने को मिले। अलाउंस बचा के रखा हुआ है हरिदास गोरे ने, 2.5 किलो का ये, और 3.5 किलो का ये ज़्यादा बढ़िया है। इनायत का सारा ख़त्म कर दिया चेन्नई वालों ने। चेन्नई अब जाएगा खैर। और उसके बाद 8 नंबर है टार्जन भवानी सिंह, ये घोड़ा भी यार कहीं ना कहीं पे फेवरेट हो गया एक बारी, काफ़ी जिसे कहते हैं कि चौहान के नीचे 2 बारी घोड़ा बाहर हुआ है और दोनों बारी बहुत बैटिंग हुई थी लास्ट टाइम। तो उम्मीद करते हैं इन दोनों में रेस देखने को मिले। और सेकेंड रेस में आ जाते हैं यार, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है इस वजह से मेरे को भी टाइम लग रहा है। और सेकेंड रेस 1400 मीटर क्लास 4 की है। यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूँगा, 2 नंबर स्माइल ऑफ फॉर्च्यून यस नेडू के नीचे घोड़ा, लास्ट टाइम ये भी काफ़ी लग रहा था फेवरेट होके पिटा, फिर उसके बाद एल्पनर के आगे 10वें से 5वां इतना ख़राब रन नहीं था। और यहाँ पे उम्मीद करते हैं 1400 मीटर क्लास 4 में एटलीस्ट एक बेटर रन देखने को मिले। और लग रहा है कि मतलब एम नायडू जी और यस नायडू जी का कुछ कनेक्शन इस बारी, देखते हैं पुणे में भी क्या पता देखने को मिले। बाप बेटे हैं दोनों भाई, और उम्मीद करते हैं कि यस नायडू यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिले राइडिंग। और उसके बाद दूसरा घोड़ा पिक लेके चलूंगा, 1 नंबर अमीरा। पहला रन बहुत इम्प्रेसिव था यार, जीता था। और संदेश के नीचे यहाँ पे नीरा रावल बैठा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि एक बेटर रन देखने को मिले। थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, थर्ड रेस 1400 मीटर क्लास 1, जैसा मैंने बताया नायडू एम नायडू जी, और अच्छे घोड़े लग रहे हैं इस बारी और होने चाहिए काफ़ी टाइम से यार। नायडू जी के घोड़े कुछ करतब करते हुए दिखे नहीं, काफ़ी लंबा समय हो गया। और यहाँ पे ये थर्ड रेस 1400 मीटर क्लास 1 की है, यहाँ पे घोड़े बहुत हैं और मैं पिक लेके चलूँगा 2 नंबर काउंट ऑफ सवाय यस नायडू। अच्छा जीता था घोड़ा, सक्सेसर को बीट किया था। और दूसरा घोड़ा मैं सक्सेसर ही पिक लेके चलूंगा, एस सकलेन डी टोडी वाला जी ने, संदेश नहीं है शायद, मिस कर रहे हैं उसे, तो सकलेन बुला रखा है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं सकलेन अच्छी राइड करे यार, और संदेश बाहर ही रहे थोड़े दिन और, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। खैर ऐसी बात नहीं है, अच्छा जॉकी है पुणे के लिए। तो चौथी रेस में आ जाते हैं, 1400 मीटर की रेस है क्लास 4 की दोस्तों, और यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा 1 नंबर ब्रेव ब्यूटी के नाजिल। ये घोड़ा डिस्टेंस में भी अच्छा परफॉर्म करके गया है, 1600 जीता हुआ है, 1400 जाना है, और वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है जरूर, बट नाजिल उम्मीद करते हैं एक अच्छी राइड देखने को मिले यहाँ पे। और दूसरा घोड़ा इसी रेस में पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 4 नंबर करीना नीरज रावल, किंग रैंसम के आगे छठा लगा हुआ है और 8 घोड़ों में वो अलग बात है, और अताश के साथ में गुड सेकंड।
अताश बहुत बढ़िया परफॉर्म करके जा रहा था लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से बैक टू बैक 2 बार जीता ट्रेवर के नीचे। तो ये घोड़ा उम्मीद करते हैं यहाँ पे एक बेटर रन देखने को मिले। और इसमें 11 नंबर भी है ईटन स्क्वायर, एम नेडू जी का घोड़ा है एजे सुनील के नीचे। तो ऐसे कुछ घोड़े हैं वो आप नज़र मार सकते हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं दिख रहे, बट मैं टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में भी लेके नहीं चलूंगा। और पांचवी रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर की रेस है, द डीके आशीष ट्रॉफी डिवीजन 1। बहुत बढ़िया जॉकी था यार, कोई इंट्रैक्शन था तो नहीं बट ठीक है, याद रहेगा हमेशा डीके आशीष। और डिवीजन 1 की रेस है, यहाँ पे मैं सिंगल ही हॉर्स पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 6 नंबर द जनरल। लास्ट सीजन मुंबई में बहुत बढ़िया, सारे के सारे रन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं भवानी के नीचे जीते यार पहले रन में पुणे में। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों छठी रेस में, 1000 मीटर की रेस क्लास 4 की। और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा, 2 नंबर क्वीन स्प्राइड हरिदास गोरे और 1 नंबर एनिस मोर पी शिंदे। पी शिंदे बहुत बढ़िया राइडर है यार, और फ्रंट रनर घोड़ा है बिल्कुल, ये घोड़ा बनता है यार यहाँ पे। बाकी घोड़े इसमें और भी बहुत हैं यार, 10 नंबर अपसेट के लिए आप बिल्कुल नज़र बनाए रखना है यार, सीएस जोधा पे गड़बड़ करेगा ये लग रहा है मुझे। और आ जाते हैं दोस्तों सातवीं रेस में, 1200 मीटर की रेस है, द डीके आसी ट्रॉफी डिवीजन 2। 3 नंबर एंड्यूरेंस नीरज रावल। और दूसरा घोड़ा इसी रेस में पिक लेके चलूंगा दोस्तों, अधिराज सिंह जोधा जी का काफ़ी ट्रैक भी दिया हुआ है और शायद ऊटी में भी घोड़े को लेके गए, और उसके बाद मेरे ख्याल से पिछले सीजन भी मुंबई में भी ट्रैक दिया गया है घोड़े को। 5 नंबर मल्टी वर्स श्रीकांत कांबले। बाकी दो घोड़े हैं, दोनों के दोनों इस रेस में मैं आपको वैसे ये घोड़े जरूर बता देता हूँ। 2 नंबर इनेबलर लास्ट टाइम काफ़ी स्लो निकला था, उसके बाद अच्छा पिक किया, तो यहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है। और एक ये घोड़ा यार 11 नंबर टेस सी उमेश जमारी जीता है, पैसी कनेक्शन हो सकता है कि मुंबई में देखने को मिले, बट इस घोड़े को 11 नंबर को ट्रैक नहीं दे रहे हैं। बाकी प्लेस के लिए भी घोड़ा बिल्कुल बनता है यार, अच्छा रन था जब भागा था ये घोड़ा अल्टीमो के साथ में। खैर पिक लेकिन मैं इन्हीं दोनों में लेके चलूंगा दोस्तों, 3 नंबर एंड्यूरेंस नीरज रावल, 5 नंबर मल्टीवर्स से श्रीकांत कांबले। और आ जाते हैं दोस्तों आठवीं रेस में, आठवीं रेस 1200 मीटर क्लास 3 की है। और यहाँ पे वैसे तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि यार मैं मतलब 1 नंबर को थोड़ा सा निगलेक्ट करूँ, बट मैं कर नहीं पाया। लास्ट टाइम इंक्वायरी ओपन हुई है और शायद लास्ट डे था, संदेश ने यहाँ पे भी ये घोड़ा चौथा ही करवाया है। और चलो उसके बाद अब 13 नंबर का गेट है, उस दिन भी 13 नंबर का गेट था, काफ़ी लेट गैलप लिया यार घोड़े ने। और शायद संदेश ऐसे ही करता है क्या, जूलियट में भी लेट गैलप या जिसमें सस्पेंड है उसमें भी लेट गैलप, और अगर लेट गैलप लेता है तो पकड़ा क्यों जाता है ये बड़ा सवाल है, मेन बात यह है। जॉकी तो और भी है यार। खैर तो बिल्कुल ये घोड़ा बनता है यार, और मुझे लगता है कि सूरज नायडू के नीचे घोड़ा जीतना चाहिए जिस हिसाब से लास्ट में गैलप पिक किया है घोड़े ने, और अच्छा है घोड़ा और बिल्कुल पोटेंशियल है घोड़े पे यार। और दूसरा घोड़ा फिर भी जिस घोड़े ने बीट किया है दूसरा घोड़ा भी वही पिक लेके चलूंगा, 5 नंबर बकले दशरथ सिंह। क्या पता भाई दोबारा बीट कर दे, ऐसा हो भी जाता है। और उम्मीद करते हैं इन दोनों में ही रेस देखने को मिले। बाकी ये 4 नंबर टाइम एंड टाइट को बुक के हिसाब से डे बेस्ट दे रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा ये समझ नहीं आया घोड़ा, इसलिए मैंने निगलेक्ट कर दिया यार। और निगलेक्ट नहीं किया मतलब आप देख सकते हैं यार, फ्रंट रनर है गगनदीप आसमान, अच्छा राइडर है और घोड़ा भी परफॉर्मर है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे 1 नंबर और 5 नंबर में ज़्यादा रेस समझ आ रही है। नौवीं रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर क्लास 5 की है। और यहाँ पे भी मुझे 3 घोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 नंबर स्काई हॉक, पिक भी यही रहेगा मेरा, 1 नंबर स्काई हॉक हरिदास गोरे, क्लास 4 क्लास डाउन कर रहे हैं। और पुणे के अगर आप रन देखोगे मिस्टिकल रोज के साथ में गुड सेकेंड,
एक्सीलेंट गोल्ड के आगे फेवरेट था, थर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले, घोड़ा जीते। और दूसरा घोड़ा पिक लेके चलूंगा, 4 नंबर सुप्रीम पोज दशरथ सिंह, संदेश के नीचे घोड़ा फेवरेट था, और 5 नंबर साथ में ही भागा हुआ घोड़ा है, तो बस ये 2 ही 3 घोड़े मुझे नजर आ रहे हैं, और पिक वही है, 1 नंबर स्काई हॉक और 4 नंबर सुप्रीम पोज दशरथ। और इसी के साथ पुणे के लिए यार ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, इसके बाद मिलते हैं बेंगलोर की रेसों में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, और सीजन का पहला दिन है, थोड़ा सा ध्यान दे के सोच समझ के, बाय, टेक केयर मेरे भाई, बाय यार।